हेलो। आपका कैसा वर्क चल रहा है सर? मार्केट में ट्रेडिंग के पर्पज से कॉल किया मैंने आपको। अच्छा, मैं मार्केट तो अभी बहुत ज्यादा गिर रहा है, नॉर्मल चल रहा है अभी। नॉर्मल चल रहा है तो आप मार्केट में आपने कुछ किया है क्या वैसे? अच्छा, नहीं अभी तो कुछ कर नहीं रहा हूँ क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा गिर रहा है, ये हो रहा तो इसलिए थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ। तो आप हाँ, ऐसे कौन सी सेगमेंट वर्क करते हैं, इक्विटी या कमोडिटी में? इक्विटी, इक्विटी केस फ्यूचर ऑप्शन किस में कर रहे हैं सर? कैश, ऑप्शन, फ्यूचर, तीनों में कर लेते हैं। तीनों में? अच्छा, तीनों में कभी कभी कर लेते हैं, तीनों में मतलब कर लेते हैं। अच्छा, एक साथ नहीं करते हैं, कभी कभी करते हैं। जैसे कभी इक्विटी का पोजीशन अच्छा है तो इक्विटी में कभी जो भी लगता है कर लिया जाता है। आप सेल पे ट्रेड कर रहे हैं, किसी के एडवाइस लेके कर रहे हैं सर? अच्छा, नहीं, मैं खुद से कर रहा हूँ। खुद से ही? तो मतलब खुद से कितना कर लेते हैं वैसे पर डे आप? अभी मैं मतलब 10 लाख लगाया था तो उसमें से थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है। हाँ, खुद से लगाया था तो थोड़ा बहुत नुकसान हुआ था। मतलब खुद से रिस्क ले सकते हैं तो एक बार मेरे साथ ही काम करके देखते हैं, रिस्क ले सकते हैं ना आप? बताइए तब ना, मुझे क्या पता है मैम, आप कौन हो, क्या हो, कैसे हो। अब मुझे तो आप भी कॉल किया, आपने तो नंबर पता चला, मैं कैसे बोल सकता हूँ कौन है, किसको मैं बोलूँ। तो बताइए आप क्या हेल्प कर सकते हो। मैं आपको अच्छे एडवाइस दूंगी तो आप तो ट्रेड करना, मैं आपको लेवल बताऊंगी तो और क्या। बताइए कैसे है पेड सर्विसेज। ये फ्यूचर ऑप्शन तीनों में कर लेते हैं। वैसे आपके पास कितना फंड है अभी सर? अच्छा, अभी मैम 8 लाख रुपीस के आसपास है, 10 लाख था उसमें से थोड़ा नुकसान हुआ। 1 लाख था, उसमें थोड़ा सा नुकसान। मतलब वैसे आपको लिमिट मिलती है कितने लिमिट भी मिल जाती है मैम। टाइम की सर? मैम आप बताओ, मैम आप क्या कराते हो, वो बात छोड़ो, पैसा तो हम लगाने के लिए तो लगा ही रहे हैं, मार्केट में है तो आप क्या करवाओगे, नया क्या है आप में, तब तो हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे सही से। उसके हिसाब से तो बताऊंगी ना मैं। तो आप मैम कितने दस लाख क्वांटिटी दे सकते हैं मुझे? अच्छा, हाँ तो मैम 10 लाख रुपया इनफ नहीं है, और चाहिए होगा तो फिर देख लिया जाएगा हिसाब से, प्रॉफिट तो आने दीजिए पहले। बोलिए। ऑमलेट आप लाइन पर रहिए ना, होल्ड करती हूँ। तो ऑमलेट है ना? ठीक क्यों मैम, अपने एक्सपर्ट से बात कराओगी? ठीक है। नहीं, है, ओके ओके मैम, होल्ड करता हूँ। तो दोस्तों ये लोग होते हैं जो लूटते हैं लोगों को, अभी इन्होंने होल्ड पे रखा है, ये अपने जाके किसी सीनियर से या किसी से पूछेंगे कि हाँ ऐसा बंदा है, इतना पैसा है, कैसे काम करवाया जाए। अभी देखो मैं उनसे कैसा कैसा सवाल पूछता हूँ। हाँ मैम, हेलो, बोलिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम। बात कर रही है सोनाली बी शाइकन कंपनी से। ओके, अभी आप मुझे बता सकते हैं वैसे कि आप जो इक्विटी में ट्रेड कर रहे हैं, सेल्फ ट्रेड कर रहे हैं, मैम अभी तो उनको बताया था मैंने, राइट? अभी सब कुछ बताया था, फिर से। आई नो सर। ओके, मैं उसकी सीनियर बात कर रही हूँ। ओके, अभी तो आज भी आपने देखा होगा मार्केट का, ठीक है, हमारी कंपनी ने भी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस सेल कराया था 300 से, ठीक है। अभी आप उसका देख रहे हैं, राइट? 283 का लो बना चुका है। 85 पे हमारा टारगेट था, 285 पे। ओके, हाँ, तो अभी आप मुझे बताइए वैसे मार्केट में आप क्या स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं और कितना टाइम से आप ट्रेड कर रहे हैं? मैम अभी तो मैम मैं कम से कम 6 महीने के आसपास से काम कर रहा हूँ। ओके, तो बताइए आप मेरा क्या हेल्प कर सकते हो। या 6 मंथ में आप मुझे? हाँ बिल्कुल, आपने सही बोल रहे हैं। डजन नॉट मैटर, कोई मैटर नहीं करता है। हमसे ये बताएं कि 1 ईयर 2 ईयर भी डजन नॉट मैटर। और मार्केट में होता क्या है मिस्टर, प्रॉपर कंसल्ट होती है, राइट? हम तुक्के में तो काम नहीं कर सकते है ना सर, क्योंकि हम एक रिस्क लेके काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं, हाँ तो मैम राइट? बताइएगा तब, मतलब सीधे अगर जल्दी बात कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे हम क्या हेल्प कर सकते हो, कितना रिटर्न, कितना फीस है, क्या है, जैसे ओके ओके, नो कि। इशू। आप मुझे ये बता दीजिए हाँ कि अभी कितना इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं? अभी मेरे पास 10 लाख के आसपास 1 लाख, है, सॉरी 10 लाख के आसपास टेन लाख। है। हाँ ओके, तो 10 लाख ओनली में काम कर रहे हैं, ऑप्शन फ्यूचर। ओके, तीनों में काम हो जाता है मैम। ठीक है। अभी आप मुझे बताइए आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, मतलब आपका एक्सपेक्टेशन बताइए ना सर। क्योंकि देखिए, यदि हम बात करें 10 लाख इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग, राइट,
ऑप्शन की बात करें तो हम डेली का 1 लेग भी बिल्कुल इजीली स्कैन कर सकते हैं, राइट? ठीक क्या मैम एक बार और है, बोलिए आपको मैम पता आपका, होगा। हेलो हाँ मैम बोलिए। आपका साउंड सही से नहीं आ रहा है, एक बार सही से बोलिए। मैं ये बोल रही हूँ, यदि आप 10 लेग बता रहे हैं, 10 लाख, राइट, हाँ है ना, एग्जीक्यूटिव को आपने 1 लेग बताया था। हाँ नहीं मैम मैंने 10 लाख बोला था ओके, क्या करते क्या है वैसे, बाय प्रोफेशन क्या करते मैम, हैं? मेरे पास टाइम नहीं है, अगर जल्दी बात हो जाएगा तो अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने भी आके सर यही जल्दी दशा। वाली बात नहीं है, ठीक है, नो इश्यू। 10 लाख इन्वेस्टमेंट आप कर तो रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं पहले बता देती हूँ, हमारी कंपनी जो आपको काम कराती है, टिप्स एंड रिकमेंडेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है, सर्विस एथोराइज कंपनी है। प्रॉपर बिगिनियर प्लान में आप हम 1 वीक काम करिए, ठीक है। अब 10 लाख जो बोल रहे हैं ना, यदि मैं ऑप्शन में आपको काम कराती हूँ ना, 50,000 से 1 लाख के अबाउ मैं आपको प्रॉफिट दे सकती हूँ, यदि आपका इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग बात करूँ ऑप्शन के लिए, ठीक अच्छा है। तो ऑप्शन आप मुझे मतलब इन्वेस्टमेंट बता रहे हैं, पर डे मतलब कि ठीक है। 50,000 to 1 lakh rupees हाँ बिल्कुल प्रॉफिट बिल्कुल, हो जाएगा। ऑप्शन की बात कर रही हूँ। आज मैंने कॉल दिया था, मतलब आपको मैं बता देती हूँ, ठीक है, ऑप्शन की बात कर रही हूँ, पर्टिकुलर लॉट साइज में काम होता है। टाइम निफ्टी का लॉट साइज है 20 का, ठीक नहीं वो है, सेम है, वो राइट, सबका अलग अलग। 48,700 का पुट ऑप्शन बाय कराया एक मिनट था मैम सर, एक मिनट, ठीक है, तो राइट, मैं ये कुछ मैम एक मैं सौ 10 रुपए से, सॉरी, हाँ मैं कंफर्म करना चाहता हूँ, जैसे कि मैम 10 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है तो उसमें 50,000 तो या 1 लाख रुपीज़ के मिनिमम आसपास निकल सकता ऑप्शन के लिए, है। ठीक है, ठीक है राइट, ऑप्शन एक्स। तो आप मुझे इन्वेस्टमेंट बता रहे हैं ना, यदि मैं 10,000 के अकॉर्डिंग भी बताऊँ ना, तो 10,000 के अकॉर्डिंग भी आप काम कर सकते हैं, राइट। अब डिपेंड करता है वहां पे आपको लिमिट क्या दे रहा है ब्रोकर। यदि आपके पास 10,000 का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, अब वहां पे कैटेगरी भी, ए ग्रुप का शेयर है, बी ग्रुप का शेयर है, ठीक है ना, राइट, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं वैसे? हम काम की बात करते हैं मैम, काम की बात करते हैं। जरूरी है ना सर, तो ऐसा नहीं है कि यदि आप मेरे साथ बात कर रहे हो, मेरे साथ काम कर रहे हो, ठीक है, राइट, नहीं मैम आपका देखिए काम मुझे है प्रॉपर आपने भी जो सवाल, ट्रेड करना मार्केट में, सॉरी, नहीं मैम आपने आप वही क्वेश्चंस करते जा रहे हो जो उन्होंने किया था, तो बार बार डबल डबल रिपीट करना, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो हाँ काम बट की बात मुझे नहीं है। पता है ना सर, राइट, हाँ तो इसलिए बोल रहा इसीलिए मैं हूँ। क्वेश्चन आपसे कर रही हूँ, ठीक है। तो वही पूछना चाहता हूँ कि आपके चार्जेस क्या है, कैसे किस किस में काम करने बिल्कुल, से। हमारे चार्जेस, हाँ हमारे चार्जेस मैं बता देती हूँ, यदि 1 वीक आप काम करते हैं, ठीक है, एक बिगिनर होता है हमारा, ठीक है, बिगिनर हमारे साथ काम करते हैं 1 वीक, 5 डेज वर्किंग मिलेगा आपको, ठीक है, डेली बेसिस आपको 1 से 2 कॉल प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, आपको पता है प्री ओपनिंग, ठीक है, आपको 10 के समथिंग, 10 बजे के समथिंग एक कॉल प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, ओके, यदि आप बिगिनर हो, बिगिनर प्लान में काम कर रहे हैं, 10 बजे के समथिंग एक कॉल प्रोवाइड किया जाएगा, आपको पता है यूरोपियन मार्केट ओपन होता है 12:30 बजे, उसके बाद आपको एक कॉल प्रोवाइड किया जाता है, डेली बेसिस 2 कॉल आपको प्रोवाइड किया जाता है सर, ठीक है। अब डिपेंड करता है, यदि आप बिगिनर हैं तो बिगिनर में आपको जो प्रोवाइड किया जाता है मैसेजेस के थ्रू आप काम करते हैं। सर्विसेज के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें, 7,000 का सर्विस भी होता है, ठीक है, 1 लाख का सर्विस भी होता है। अब उसमें डिफरेंस है कि आपको 7,000 में क्या मिल रहा है और 1 लाख में आपको क्या मिल रहा है, ठीक ओके है, राइट, मतलब है ना, रिस्क का रिवर्ट, सॉरी, मिनिमम 7,000 है और मैक्सिमम 1 लाख रुपीज़ का सर्विस है। 1 लाख के अबाव भी है सर। आप बिल्कुल एक काम करिए, अभी आप के पास टाइम है तो अभी आप वेबसाइट पे आइए, ठीक है, मैं आपको प्रॉपर क्लियर कर देती हूँ सारी चीजें, ठीक नहीं मैम है। ऐसे भी है, बोल दोगे तो सही है, मतलब ऐसे भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो मैम ये डिफरेंस क्या रहता है मैम, ये जो 7,000 वाली सर्विस है, जो 1 लाख 2 लाख रुपीज़ वाली सर्विस रहते हैं, उसमें क्या फ़र्क क्या रहता है डिफरेंस। देखिए मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है ना सर, 7,000 का जो सर्विस आप परचेज करते हैं मैसेजेस के थ्रू काम करते हैं आप, ठीक है, ओनली आपके पास जैसे 2 से 3 4 मैसेजेस आ रहे हैं, वो आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से मैसेजेस में काम करेंगे, ठीक है, इसमें आपको प्रॉपर मेंशन होगा टारगेट स्टॉप लॉस, ठीक है, राइट। अभी हम बात करें कि 30,000 का सर्विस है, 50,000 का सर्विस है, 1 लाख का सर्विस है, प्रॉपर आपको सपोर्ट किया जाता है। मैं आपको कॉल करके वर्बली आपको मैं बताऊंगी कि आपको कौन सी कंपनी का शेयर परचेज करना है, कौन सा सेल आउट करना है, टारगेट अच्छा एक मिनट मैम बताऊंगी, एक ये मिनट। नहीं कि आपको सिर्फ कंपनी शेयर बाय, मतलब अच्छा सेल बाय मैम करा दिया, हाँ मैम उसी हेलो के हेलो रिलेटेड आपको हेलो सारी हेलो चीजें हेलो बतानी मैम पड़ेगी, एक मिनट ठीक मैम है। एक मिनट मैम एक मिनट मैम, मैं कुछ क्वेश्चन मैं भी करना चाहता हूँ, आप तो बोलना स्टार्ट करते हो तो रुकते ही नहीं हो, मैं पूछना चाहता हूँ। तो सर वो तो आपने बोला ना कि आप मुझे बताइए काम की चीजें, मैं काम की हाँ चीजें नहीं मैम बताऊंगी ना हाँ आपको। नहीं मैं बोल रहा हूँ मैम कि एक मिनट, जैसे कि मैम मैं भी कुछ पूछना चाहता हूँ, जैसे ये सब नंबर आपको कहाँ से मिलता है मैम, सॉरी क्या बोल रहे हैं? जैसे कि हमारा जो डेटा वो है। हमारा, हमारे पास जो
डेटाबेस आता है ना, डेटाबेस आता है ना, उसी में हाँ आपका नंबर प्रोवाइड होता है। डेटाबेस, वो कहाँ से आता है मैम? हेलो, हाँ मैम आपके पास मतलब सर डेटा? हमारी कंपनी जो है ना, लिसन, जो हमारी कंपनी है प्रमोशन करती है, अच्छा, तो वहां से मिलता है आपको डेटा? आप जैसे हमारी सोशल मीडिया हुआ, ठीक है ना, राइट, है ना, आप जैसे विजिट कर रहे हैं तो आपके नंबर प्रोवाइड होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम आपको कॉल कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा ओके। मैम, हमारी जो जो कंपनी है सेबी रजिस्टर्ड है, सुन हाँ लीजिए पहले, एक सेबी रजिस्टर्ड कंपनी है, सेबी के साइट पे जाएंगे आप, हमारा जो सेबी रजिस्टर्ड नंबर है, ठीक है, आप सर्च करिएगा, प्रॉपर आपको मिलेगी सारी चीजें, ओके, ठीक अच्छा मैम, है, मैं और कुछ आपको पूछना चाहता बताऊंगा हूँ, एक सेबी मिनट क्या मैम। होता है, हाँ मैम पता है मैम, सेबी, हाँ वो तो है, सेबी है मैम ये। रेगुलेट करता है स्टॉक मार्केट हाँ को। हाँ मैम ये पूछना चाहता हूँ, जैसे सही है तो मैम, आप जैसे कि डेटा लेते हो, खरीदते हो, जैसे कि मैम हमने तो कोई वेबसाइट पे नहीं सर किया, तो डेटा की बातें मत करिए, जो काम की बातें वो करिए, प्रॉपर क्या चाहते हो मार्केट से, क्या क्वालिटी चाहते हो, ये बात करिए, ठीक हाँ तो मैम वही पूछ रहा हूँ, जैसे कि है। अगर मैम मान लीजिए 5 लाख 5 लाख करके दो जगह या किसी जगह इन्वेस्ट करे, तो कैसे मतलब निकल सकता है, इंटरेस्ट कितना निकल सकता है, प्रॉफिट कितना निकल सकता है आप तो मुझे उसमें? पहले ये बताइए कि सबसे पहले ये बताइए आप बाय प्रोफेशन क्या करते हैं, उसके बाद आप मुझसे बात करिए। मैम प्रोफेशन का क्या मतलब है, अभी जैसे कि मैं ये पूछना हाँ तो चाहता फिर फोन रखो, फोन रखो, 10 लाख में कितने जीरो होते हैं पता है? फोन तो देखा दोस्तों, उन्होंने कॉल कट कर दिया फाइनली, और कॉल रिसीव भी नहीं करे, क्योंकि उनको पता है ऐसा नहीं होता है, ठीक है? तो मैं बस इतना ही मैसेज देना चाहता हूँ, अगर आपके पास कोई कॉल्स आता है तो आप ऐसे जगह में मत फंसा करो, आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, ठीक है? मैं उसका नंबर भी यहाँ पर आपको बता दिया करूँगा। तो ये वो नंबर था जिससे कॉल आया था, अभी मैं उनसे क्वेश्चन करने ही वाला था कि मैम जब आप मतलब इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हो पर डे में 50,000, 1 लाख रुपीज़ अगर वो निकाल सकते हैं, समझ सकते हो ना, अगर एक दिन के अंदर आप 50,000 या 1 लाख रुपया अगर आप कमा लेते हो, तो आपको कोई जगह जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। देखिए यही नंबर से कॉल आया था और उन्होंने जो है गुस्से में कॉल कट कर दिया, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा था वो थोड़ा उनको इरिटेटिंग लग रहा था। अब मैं पूछने वाला था कि आपका सैलरी कितना है, आप अगर आपका सैलरी मान लीजिए जितना भी है सैलरी, अगर वो मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं तो वो क्यों जॉब करते हैं? और वो बार बार बोल रही थी कि मेरा कंपनी जो है सेबी रजिस्टर्ड है, सेबी रजिस्टर्ड है। अरे यार, सेबी चाहे जितना भी बड़ा हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन नॉलेज कहीं पर भी रजिस्टर्ड नहीं हो सकता, ठीक है? नॉलेज नहीं रजिस्टर हो सकता, सेबी में कंपनी रजिस्टर हो सकती है। तो हम कुछ भी बोल सकते हैं कि आपका बेटा ये स्कूल में पढ़ा, वो स्कूल में पढ़ा, ऐसे स्कूल में पढ़ा कि मतलब कि ऐसा था ही नहीं स्कूल, कहीं भी पढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या नॉलेज है उसके पास, क्या एबिलिटी है, क्या स्किल है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसके दम पे हमें लड़ना चाहिए, ठीक है? तो सेबी रजिस्टर्ड है चाहे जो भी है, देखो मैं एक बार और कॉल लगाती हूँ, देखो कैसे वो बात करते हैं, ठीक है? तो वन मोर टाइम कॉल कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों? तो फोन रिंग हो रहा है और उन्होंने कॉल कट कर दिया, और शायद उन्होंने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया, तो अब मैं कॉल भी नहीं लगा पा रहा हूँ। देखिए आपके सामने रिंग हो रहा, थोड़ा सा ही रिंग हो रहा, कट जा रहा। बस इतना ही रिंग हो रहा, कट जा रहा है। तो मैं आप लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ, देखिए ऐसे कितने भी कॉल्स आए तो प्लीज़ आप लोग उनके मतलब ऐसे फंस मत जाइएगा, ये उनका जाल है। देखो वो क्या बोले कि मैं 10,000 रुपीज़ से भी आपको अच्छा से अच्छा प्रॉफिट दे सकता हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है? अगर ऐसा पॉसिबल था या रहता तो वो खुद करते। तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, प्लीज़ जो भी बड़े छोटे मतलब अगर बड़े हो तो भी, छोटे हो तो भी, मैं उनको विनती करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ यार ऐसे चीज़ों में फंसना मत, वो आपको लूट के खा जाएंगे। आपने कहीं पे देखा होगा ना, नोच नोच के खाते हैं जो पशु पक्षी रहते हैं जानवरों को, उसी तरह आपको खा जाएंगे, पता नहीं चलेगा। मेरे पास कुछ ऐसे भी लोग हैं हमारे पास जो काम करते हैं, वो इतना रोते हैं, इतना रोते हैं कि मुझे इंदौर वालों ने लूट लिया, इंदौर वालों ने ये कर लिया। तो प्लीज मेरा ये मैसेज है, ऐसे वैसे लालच में मत फंसा करो, देखो अच्छी तरीके से कमाओगे तभी जाके अच्छे से रहोगे, ठीक है? तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा ना तो प्लीज लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों फाइनली कॉल लग गया। हेलो, हाँ मैम अभी मैंने कॉल किया था, हम सर्विस के लिए बात कर रहे थे। नहीं सर्विस की तो बात ही नहीं कर रहे थे। सर मैम मैं पूछना चाहता था, आप देखिए मैं पैसा लगाऊंगा तो मैं बात तो करूंगा ना कि हाँ कैसा है क्या है। तो मैम ये पूछना चाहता था कि जैसे कि अगर मैं 1 लाख रुपया, जैसे कि उन्होंने बोला कि मैं 50,000 या 1 लाख रुपीज़ डेली अर्न कर सकता हूँ, ठीक है? हाँ तो मैम जी क्या सर, उस, हाँ उसके लिए कोई डेमो या ट्रायल कुछ मिलेगा, सैंपल वगैरह? तो डेमो ट्राई तो मिल,
पहले कॉल पे देते हैं ना सर ट्रायल तो, पर आप तो उल्टी उल्टी बात करे जा रहे, काम की बात नहीं कर रहे सर। मैम मैंने पूरा रिस्पेक्ट से बात किया, मैंने एक भी बात गलत नहीं बोला, और उन्होंने लास्ट में फाइनली चिल्ला के कॉल कट कर दिया। लेकिन हम तो जो बात कर रहे हैं, आप देखिए कस्टमर है तो उनको तो डाउट रहेगा। वैसे आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम सुमित है, सॉरी सुमित है मैम, सुमित है। अच्छा मैम, आप जो ट्रायल दोगे वो कितने दिनों का ट्रायल होगा? हेलो। एक दूसरे ऑप्शन किसी में भी दे सकते हैं हाँ आप तो, नहीं तीनों में मतलब, करते हैं ना नहीं सर। नहीं मैम, कितने दिनों का टाइम, मतलब 2 दिन, 4 दिन या 1 हफ्ते का ट्रायल होगा? ट्रायल तो सर एक ही दिन का मिलेगा आपको, अच्छा, एक ही दिन। लेकिन मैम एक दिन में तो जजमेंट नहीं पता चल पाएगा ना कि क्या है क्या नहीं है। एक बार ही ट्राई। आप किसी भी दुकान पे जाओ तो दुकान वाला भी एक ही पीस देगा मिठाई के, आपको कोई पूरा डब्बा नहीं देगा। नहीं मैम, लेकिन वो अलग है, ये अलग है। अच्छा ठीक है मैम, तो जैसे कि मैम आप लोगों वो का, मैं हाँ तो मैम ये पूछना चाहता हूँ जैसे कि आप लोगों का सैलरी कितना है? आप लोगों का सैलरी से आपको क्या मतलब है मतलब? आप जैसे कि मैम देखो, अगर आप 50,000 या 1 लाख रुपीज़ आप किसी को एक दिन में कमा के दे सकते हो, तो आप लोग भी तो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट जनरेट करते होगे ना। हाँ तो मैम आपको देखिए, अब देखिए हम जिनके पास काम कर रहे हैं, जो हमारे बॉस है, हमें उनके बारे में तो पता होना चाहिए, उनका एबिलिटी क्या है, वो करते क्या है, कैसे काम करते हैं, कितना प्रॉफिट वो खुद करते हैं, तब जाके अपने सबऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट है उनको कितना देते हैं। तो वही पूछ रहा हूँ मैम, आपको तो जैसे हमारे परफेक्ट है सर। हाँ मैम, जैसे कि मैम ये पूछना चाहता हूँ कि आप 50,000 या 1 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करवा सकते हो, ठीक है, प्रॉफिट जो है जनरेट करके दे सकते हो एक दिन के अंदर, तो मैम इससे ज़्यादा तो आप लोग अर्न करते होगे ना। देखिए उसके बाद ही आप आगे बात करना हो। वैसे आपको मतलब एक बार में ही आपको पता चल जाएगा कि हमारी कंपनी रिपोर्ट बस लेवल पर ही ट्रेड कराएगी, ऐसा नहीं है कि बस सुख के पर काम चलता हमारे अच्छा यहाँ। अच्छा ठीक है मैम। अच्छा ठीक है मैम, आप लोगों ने जिनको भी प्रॉफिट दिया है, क्या उनसे बात करवा सकते हो, जिनको आप लोगों ने अच्छा लेबल प्रोवाइड किया, प्रॉफिट दिया है अपने कस्टमर से? उनसे आपकी बात क्यों कराओ सर? आप हमारी वेबसाइट पर जाके देखिए ना, हमने आज कितने प्रॉफिट गेन कराया है सबको, नहीं मैम वो वैसे तो उतना सही नंबर है, हम आपको लेकिन नहीं दे अगर, सकते हैं। लेकिन मैम वैसे बात कर लेने से थोड़ा अच्छा रहता है ना, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है कि हाँ आपने किसको कितना प्रॉफिट दिया। सॉरी पर हमारी कंपनी में ये अलाव नहीं है कि हम हमारे क्लाइंट के नंबर दूसरे क्लाइंट को दें। अच्छा ठीक है मैम, ऐसा है, ठीक है मैम। हाँ लेकिन जी जैसे सर, ऐसा अलाव नहीं है। तो मैम आप लोग खुद से इन्वेस्टमेंट करते हो कि नहीं? आप लोग खुद से इन्वेस्टमेंट करते हो कि नहीं? देने का है ना कि हम खुद ट्रेड करते हैं, आप ट्रेड करते हैं तो हम आपको सही मार्गदर्शन दे सकते हैं सर। हाँ मैम वो तो सही है। अब जैसे कि हम जिस कंपनी में काम करें उस कंपनी का तो हम प्रोडक्ट भी यूज़ करते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी का हम प्रोडक्ट ही ना यूज़ करें। तो आप लोग जिस कंपनी में काम कर रहे हो उसका भी तो आप एडवांटेज ले रहे होगे, प्रॉफिट के तौर पे मार्केट है तो यहाँ पर, तो आप लोग यहाँ पर कितना जैसे इन्वेस्ट करते हो, मान लीजिए कि अगर आप मार्केट से ही ज़्यादा निकाल ले रहे हो कंपनी के एडवाइस से, तो आपको वहाँ काम करने की क्या ज़रूरत है? देखिए सर, अगर आपको हम अच्छा प्रॉफिट गेन करके दे सकते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी नहीं ना? मैम कोई दिक्कत नहीं है आप तो फिर रजिस्ट्रेशन कराने मतलब, में, अभी आप बोलोगे तो और हम अभी भी ट्रायल तो रजिस्ट्रेशन। सर एक ही दिन का मिलेगा आपको, ऐसा नहीं कि डेली डेली हम ट्रायल नहीं देंगे आपको अच्छा ठीक है मैम वो तो है, लेकिन एक दिन में हम घंटे जजमेंट तो का। नहीं कर सकते ना, किसी को जज तो नहीं कर सकते ना एक दिन में। तो वही तो बोल रही हूँ, एक दिन आप ट्रायल लीजिए और बाद में आप रजिस्ट्रेशन होकर काम करिए तो आपको भी पता चल जाएगा ना। अच्छा ठीक है, ज्यादा अमाउंट की कितना, थोड़ी ना बात कर हाँ रहे हैं हम। कितना रजिस्टर करने में कितना पेमेंट करना पड़ेगा मैम? इक्विटी का है सर हमारा 7,000। हाँ इक्विटी का है 7,000, और जी सर, इक्विटी का है 7,000 मैम। उन्होंने बताया था कि 7,000 से लेके लाख 2 लाख तक का है, तो क्या क्या सर्विसेज है, क्या आप एक बार बोलिए सर वो तो आपके लिए किसके लिए? अच्छा 5 डेज के लिए बस, एक ये दिन जो 7,000 है वो केवल 5 डेज के लिए है? अच्छा 5 डेज में आपको सेवन प्रॉफिट थाउजेंड भी गेन करा के देंगे ना सर, 5 दिन में बहुत सारा प्रॉफिट गेन हाँ कर हाँ सकते हैं आप। अच्छा मैम उसके बाद वो जो बता रही थी मैम कि जो 1 लाख रुपीज़ वाला सर्विस है वो प्रीमियम सर्विस है, उसमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, क्या मिलता है? हेलो
तो दोस्तों कॉल कट हो गया, प्लीज़ यार ऐसे मत किया करो। मैं तो बस इतना ही आपको, देखो सरल और सीधे भाषा में आपको बताऊंगा, अगर वो घर बैठे बैठे 1 लाख 2 लाख या 50 हज़ार रुपया कमा सकते हैं तो उनको वहाँ पर जॉब करने की कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस बार मैंने जिनसे बात किया दोस्तों, वो उनके जूनियर थे और जो फर्स्ट टाइम मैं बात कर रहा था वो उनके सीनियर थे, इसलिए थोड़ा वो मतलब कि अपने अक्कड़ में बात कर रहे थे। ठीक है, तो देखिए ऐसा कोई बात नहीं है, जो है महिला है, हमें उनको इज्जत देना चाहिए और कोई बात नहीं। चाहे तो मैं भी उनको मतलब गलत व्यवहार से बात कर सकता था, कुछ बोल सकता था, लेकिन हम भारत के निवासी हैं यार, हमें किसी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, सबकी इज्जत करना चाहिए, मैं इतना बोलूंगा। अपना संभल के काम किया करो, शेयर मार्केट बहुत खतरनाक चीज है, जहां फंस जाओगे लूट लेंगे भाई।